अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कैसे एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की वायरिंग करते हैं जो कि पुश टाइप है और ये वर्किंग कैसे करता है। इस रिले को ऐसे सेट करना है कि ये बॉडी से कनेक्ट ना हो जाए। वायरिंग के लिए हम ग्लास वायर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये फायर प्रूफ होती हैं और मजबूत होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन रखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि वायरिंग कैसे करते हैं। इस तरह आपको रोटरी स्विच और कॉइल के लूप्स को आपस में कनेक्शन करना है। इस तरह इनपुट लाइन इस रिले एनसी पॉइंट से कनेक्ट करना है और यही एनसी पॉइंट आपको रोटरी स्विच के पोल पॉइंट से कनेक्ट करना है। जैसा कि पता ही है, रोटरी स्विच का पोल पॉइंट एक टाइम में किसी एक पॉइंट से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे मान लेते हैं 8 पॉइंट से कनेक्ट है, मतलब 8th लूप से कॉइल में इनपुट लाइन अभी जा रहा है। यहाँ आपको आउटपुट लाइन इस रिले के एनो पॉइंट से कनेक्ट करना है। जब भी हम रिले के कॉइल में वोल्टेज देंगे तो रिले ऑपरेट हो जाएगी, तो ये एनो पॉइंट इस पोल पॉइंट से कनेक्ट होगा, मतलब ये आउटपुट पॉइंट है, मतलब आउट पोल पॉइंट से आउटपुट निकलेगा, तो ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इस तरह इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब इनपुट न्यूट्रल इस पोल पॉइंट से कनेक्ट करना है और यही न्यूट्रल हमको कॉइल में भी देना है, तो इसका मतलब जब ऑपरेट हो जाएगी रिले तो ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट होगा और यही से हमको इनपुट न्यूट्रल कॉइल में देना है। जैसा कि पता ही है, इनपुट न्यूट्रल कॉमन ही होता है, मतलब इनपुट जो न्यूट्रल आता है वही आउटपुट भी आता है। इसका मतलब यहाँ से आउटपुट न्यूट्रल निकलेगा। अब समझते हैं, अगर हम वोल्टेज देंगे तो ये वर्क कैसे करेगा। दोस्तों, यहाँ पे इनपुट लाइन वोल्टेज देते हैं, वो यहाँ से इस एनसी पॉइंट तक आएगा और यही से बाईपास होके नॉर्मल कंडीशन में पोल पॉइंट पे मिलेगा और पोल पॉइंट आउटपुट से कनेक्ट है, मतलब जो इनपुट वोल्टेज होगा वही आउटपुट भी होगा। जैसा कि एनसी पॉइंट रोटरी स्विच के पोल पॉइंट से भी कनेक्ट है, मतलब यहाँ से भी वोल्टेज मिलेगा और यही से किसी एक कनेक्शन से कॉइल में भी मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट भी मिल रहा है इस एनसी पॉइंट तक। रिले के नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही वोल्टेज मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में पोल पॉइंट एनसी पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं, मतलब नॉर्मली कनेक्टेड। अब यहाँ पे इनपुट न्यूट्रल वोल्टेज मिलेगा इस पोल पॉइंट तक और यही से आउटपुट न्यूट्रल भी मिलेगा। इस तरह हमने समझ लिया कि जो इनपुट वोल्टेज आता है वही आउटपुट वोल्टेज भी मिलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनपुट लाइन अभी कॉइल से कनेक्ट है लेकिन न्यूट्रल कनेक्ट नहीं है, मतलब अभी कॉइल वर्क नहीं कर रही है। वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इस एनो पॉइंट को पोल पॉइंट से कनेक्ट करना है। दोस्तों, इसलिए यहाँ पे पुश बटन की ज़रूरत पड़ती है, वो पुश की मदद से हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम कॉइल में ही 24 वोल्ट निकालते हैं रिले को ऑपरेट करने के लिए और पुश के कनेक्शन इस तरह करने हैं, एनो पॉइंट और ये पोल पॉइंट इससे कनेक्ट करना है, क्योंकि कॉइल को वर्क करने के लिए हमको न्यूट्रल भी देना होगा। कॉइल में इनपुट जाने के बाद यहाँ पे हमको 24 वोल्ट मिलेगा जो कि हमको रिले को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे हम
1212 का स्टेप डाउन ट्रांसफार्म भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों समझने के लिए मैंने ऐसे कनेक्शन कर दिए ये 24 वोल्ट के, नहीं तो ये पहले रिवर्स कार्ड प्लेट में देने पड़ते हैं, वहाँ से फिल्टर होके डीसी बन के यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं रिले में। दोस्तों पुश बटन दबाने से पोल पॉइंट और एनोड पॉइंट कनेक्ट होता है, जिससे यहाँ पे हमको रिले ऑपरेट हो जाती है। अब यहाँ लाइन वोल्टेज एनसी पॉइंट तक मिलेगा और यही रोटरी स्विच के पोल पॉइंट तक जाएगा। जैसा कि हमने मान लिया कि रिले वर्किंग कंडीशन में है, तो ये एनोड पॉइंट पोल पॉइंट से कनेक्ट है। इस तरह एट्थ लूप के जरिए यहाँ पे इनपुट जाएगा और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इस एनोड पॉइंट तक, और ये एनोड पॉइंट पी पॉइंट से कनेक्ट है, मीन्स कि आउटपुट हमको फेज मिल गया। दोस्तों अभी हम रिले के वर्किंग कंडीशन में बात कर रहे हैं। दोस्तों न्यूट्रल वोल्टेज यहाँ से आके इस पोल पॉइंट तक आता है और वर्किंग कंडीशन में ये पोल पॉइंट एनोड पॉइंट से कनेक्ट है, मीन्स यहाँ से अभी न्यूट्रल वोल्टेज जा रहा है इस कॉइल में। जैसा कि न्यूट्रल कॉमन होता है, मतलब जो इनपुट आता है वही आउटपुट आता है, तो इस तरह यहाँ से न्यूट्रल आउटपुट मिलेगा। दोस्तों अगर कॉइल में हमको 24 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्म यूज़ करना पड़ता है, जो कि 1212 का है। तरह प्राइमरी साइड कनेक्ट करना है इस रिले से। यहाँ पे देख लेते हैं कौन से दो पॉइंट हैं ये। दोस्तों 1212 के सेकेंडरी साइड इस तरह कनेक्ट करना है रिवर्स कार्ड प्लेट पे, यहाँ पे। यहाँ से आपको दो कनेक्शन लेने हैं और इस रिले में कनेक्ट करना है इस तरह। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि डायरेक्ट कॉइल में कनेक्शन नहीं करने हैं, इस रिवर्स कार्ड प्लेट की मदद से यहाँ पे देने हैं, क्योंकि बाद में हमको वोल्टेज एडजस्टमेंट भी करना है, तो वो इसी से होगा। इनपुट आउटपुट वोल्ट मीटर और पैनल इंडिकेटर के कनेक्शन इस तरह करने हैं। दोस्तों अगर वोल्ट मीटर और पैनल इंडिकेटर की वायरिंग समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करो, तो फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक पेज को लाइक करो, वहाँ पे आपको ये सब डायग्राम मिलेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।